नमस्कार, मैं हूं निशा। आज है 19 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। BCECE पटना ने 1511 पदों पर निकाली भर्तियां। नवनिर्वाचित राजस्व मंत्री का ऐलान, भूमिहीनों को मिलेगा जमीन। डॉल्फिन संरक्षण में सफल होती दिख रही है बिहार सरकार। बिहार बोर्ड ने दिया 10वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका। 190 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से भेदा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। BCECE पटना ने 1511 पदों पर निकाली भर्तियां। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने सीनियर रेसिडेंट एंड ट्विटर के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर के 1511 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रेलिवेंट डिसिप्लिन में MBBS PG डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी समस्त जानकारी और आवेदन के लिए इस वीडियो के इसी पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर के जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bceceboard.bihar.government.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बिहार में जन्माष्टमी को लेकर के गुलजार हुई कई बाजार। शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। इसे लेकर के घरों से लेकर लड्डू गोपाल के तमाम मंदिरों में भी खास तैयारी चल रही है। ऐसे में बाजार में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस साल 2 साल के बाद जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र की जगह कृतिका नक्षत्र और ध्रुव योग में मनाई जाएगी। इसे लेकर के बाजार में भी खास रौनक देखने को मिल रहा है। कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भी आज ही कान्हा का जन्मदिन मनाया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति, जिन्हें सोब्रिकेट मैथिल कवि कोकिल यानी मिथिला के कवि कोयल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति एक मैथिली और संस्कृत के पॉलीमैथ कवि, संत, नाटककार, संगीतकार, जीवनी, लेखक, दार्शनिक, कानून सिद्धांतकार और शाही पुजारी थे। वो शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और वैष्णव गीत भी लिखे। विद्यापति संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली भी जानते थे। विद्यापति का प्रभाव न केवल मैथिल और संस्कृत साहित्य तक सीमित रहा, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी उन्हें विस्तृत किया गया। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। उस समय ये बिस्पी के नाम से जाना जाता था। नवनिर्वाचित राजस्व मंत्रियों का ऐलान, भूमिहीनों को मिलेगा जमीन। बिहार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ साथ सभी मंत्रियों ने अपने अपनी जिम्मेवारी को निर्वाहन करने में भी जुट चुके हैं। वहीं नवनिर्वाचित राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इस बीच राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि 3 महीने में सभी भूमिहीनों को सर्वे होगा और उसके बाद सभी भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2024 तक जमीन सर्वे का पूरा काम कर लिया जाएगा। डॉल्फिन संरक्षण में सफल दिख रही है बिहार सरकार। गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंगा नदी के साथ साथ बिहार की बागमती नदी में भी डॉल्फिन देखा जा रहा है। ये सरकार के प्रयासों का सफलतम परिणाम है। दरअसल बीते दिन खगड़िया जिले के चौथम घाट के पास मछुआरों के जाल में एक डॉल्फिन भी आया। डॉल्फिन मिलने की सूचना घाट के पास ग्रामीणों को मिली तो भीड़ उमड़ पड़ी, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉल्फिन जिंदा था और मछुआरे ने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। आपको बताते चले कि डॉल्फिन एक जलीय संरक्षित जीव है, जिसे बिहार सरकार के द्वारा संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, जहां डॉल्फिन का शिकार करना कानून के खिलाफ है। वहीं अब बिहार के ही तर्ज पर प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को देश भर में डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाएगा।
तेजस्वी ने फिर मारी बाजी, मिला ये बड़ा जिम्मा। तेजस्वी यादव ने जिला प्रभारी मंत्री बनने में भी सभी मंत्रियों से बाजी मार लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि मंत्रियों को राज्य में जिला के प्रभारी मंत्री का बंटवारा भी कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पटना और भोजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी को शेखपुरा और नालंदा, विजेंद्र यादव को पूर्णिया, किशनगंज, आलोक मेहता को सिवान और औरंगाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। तेज प्रताप यादव को अरवल, लेसी सिंह को मधुबनी, संजय कुमार झा को सुपौल, मधेपुरा और अशोक चौधरी को रोहतास के साथ साथ जमुई का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अब पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ेंगी विदेशी छात्राएं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से पटना विमेंस कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज बनने जा रहा है जिसे स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया जा रहा है। इसके तहत विदेशी छात्रा जिसका चयन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से किया जाएगा, वैसी छात्राओं को पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। यही नहीं, कॉलेज में उनका रहने का इंतजाम भी किया जाएगा, साथ ही इनके ट्यूशन की फी को भी माफ कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले यहाँ कॉलेज में जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से आकर छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। पिछले 20 साल में 11वीं बार प्रदेश में सूखे की आहट। बिहार में इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई है। इस साल सामान्य से 41% कम बारिश हुई है। इसके वजह से इस साल सूखे ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में मॉनसून इस कदर रूठा है कि बारिश का नामो निशान नहीं है, जिसके वजह से तापमान में भी वृद्धि हो रही है। ऑफिशियली जानकारी के मुताबिक मॉनसून महीना में कम से कम साल 2010 तक की हुई सामान्य 67.7%। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 20 वर्षों में ये 11वां ऐसा मौका है जब सूखे ने दस्तक दी है। द्वापर युगीन पुण्यार्क सूर्य मंदिर इस वजह से बेहद खास है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 75 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में बाढ़ अनुमंडल के पुरनाक गांव में स्थित द्वापर युगीन पुण्याक सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है, अपने आप में ये विशेष स्थान रखता है। इस मंदिर की खासियत है कि ये गंगा तट पर स्थित है। वहीं मंदिर में गर्भगृह भी मौजूद है। यह गर्भगृह और किसी सूर्य मंदिर में स्थित नहीं है। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र साम द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। कुष्ठ रोग से श्रापित कृष्ण के पुत्र सांब ने श्राप मुक्त होने के लिए 12 सूर्य मंदिर स्थापित किया था, जिनमें से पुण्याक सूर्य मंदिर वो आखिरी सूर्य मंदिर है। आपको बताते चले कि छठ जैसे महापर्व को यहाँ दूर दूर से लोग मनाने के लिए आते हैं। कार्तिक सिंह मामले में बोले तेजस्वी, विपक्ष के पास बस आरोप लगाने का काम बचा है। कानून मंत्री बने कार्तिक पर इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि कार्तिक कुमार पर अपहरण का इल्जाम लगा है। अब इस मामले में कार्तिक कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसको लेकर के राजद खुल करके सामने आई है। जहां बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने इस आरोप को गलत बताया था, तो वहीं अब तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीते दिन कार्तिक कुमार के वकीलों ने ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कोर्ट ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बिना मतलब के इस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे मामला कोर्ट में है, अगर कोर्ट कोई निर्देश देता है तो उसके बाद आगे विचार किया जाएगा। इन 6 जिलों में मिलने लगा पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर। बिहार के हाजीपुर में अब कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। इसी महीने में इसकी शुरुआत की गई है। बता दें कि अब तक पटना, गया, आरा, नालंदा और बेगूसराय में ये उपलब्ध था। हाजीपुर अब बिहार का 6वां शहर बना है। सबसे पहले सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत पटना से हुई थी। इस सिलेंडर में भी कई खूबियाँ हैं। ये हल्का और सुरक्षित होता है। लेसी सिंह के लिए बीमा भारती पर बम के नीतीश कुमार। विवादों से घिरी लेसी सिंह के समर्थन में आगे आए नीतीश कुमार। जदयू की विधायक बीमा भारती पर भड़क गए। बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि लेसी सिंह पहले भी मंत्री थी और आगे भी वो इस पद पर बरकरार रहेगी। जदयू की विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह पर ये आरोप लगाया था कि वो पार्टी के विरोध में काम करती है, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि वो अपने विरोधियों की हत्या करवा देती है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीमा भारती जहां जाना चाहती है चली जाए, लेकिन ये बेतुके बयान ना दे।
बिहार बोर्ड ने दिया 10वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना दी है। ऐसे में विद्यार्थी जो 2023 में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके लिए बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए 18 अगस्त से 22 अगस्त तक एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो बिहार बोर्ड में अपने आधिकारिक वेबसाइट secondarybiharboardonline.com पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार को स्वच्छ बनाएंगे तेज प्रताप की बैठक। तेज प्रताप नए सरकार में मंत्री बनने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। वो राज्य में प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करते हुए दिखे। बता दें कि विभागों की गतिविधियों से लेकर के भी वो रूबरू होते हुए नजर आए। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही वो अपने विभाग में काम को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। वहीं बुधवार को तेज प्रताप पटना के चिड़ियाघर पहुंचे थे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और अब अधिकारियों के साथ कई दौर की अहम बैठक भी कर चुके हैं। बीपीएससी ने जारी किया 67वीं प्रिंस परीक्षा की तिथि। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रिंस परीक्षा की नई तिथि का ऐलान किया है। गुरुवार को इसकी जानकारी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। ये बताया गया कि परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 22 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा। परीक्षा में कुल 6 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। वहीं छात्रों को सेंटर पर 1 घंटे पहले तक एंट्री दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर सील परीक्षा हॉल में खोला जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। बता दें कि 8 मई को पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। नीतीश तेजस्वी को बिहार की सत्ता से बाहर करेंगे आरसीपी सिंह। नीतीश से नाराज हुए आरसीपी सिंह ने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस मौके पर वो नीतीश कुमार के खिलाफ बागी होते हुए भी नजर आए। उन्होंने यहां अपने बयान को दोहरा दिया और कहा कि नीतीश कुमार इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल बीजेपी को ज्वाइन करूंगा। नीतीश कुमार से नाराज हुई कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार से कांग्रेस नाखुश है। मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर के सही हिस्सेदारी ना मिलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उचित हिस्सेदारी उन्हें नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी घटक दलों को अच्छी संख्या में मंत्री पद मिले हैं। आजाद का मानना है कि कांग्रेस को कम से कम 4 मंत्री का पद मिलना चाहिए था। अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा कार्गो टर्मिनल। अब पटना एयरपोर्ट पर सामान की स्टोरेज में सुविधा होगी। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर बन रहे कार्गो भवन का निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर के महीने में संपन्न हो जाएगा। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर अब बाहर से मंगाए जा रहे या भेजे जाने वाले सामान की पहले से ज्यादा हिफाजत हो पाएगी। वहीं दिसंबर से पटना एयरपोर्ट से हवाई ढुलाई आसान हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान कार्गो भवन का दायरा महज 3,500 वर्ग फुट का है। वहीं नए कार्गो भवन का दायरा 15,000 वर्ग फुट का है। ये भवन 2 मंजिला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा स्टोरेज हॉल है। 29 अगस्त को जदयू करेगी बैठक, लिए जाएंगे कई फैसले। नए सरकार बनाने के लिए पहली बार 29 अगस्त को जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की खबर है। संगठन पर चर्चा के साथ साथ पार्टी की सदस्यता अभियान पर भी फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक कई लिहाज से अहम होने वाला है। दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसरो के रॉकेट रिसर्च प्रोजेक्ट में बिहार की हर्ष का हुआ चयन।
बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान के छात्र हर्ष राजपूत ने पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल हर्ष राजपूत का चयन इसरो के भारत के पहले RLV रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है। आपको बताते चले कि इस परियोजना के लिए देश भर से करीब 3,500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है, जिसमें हर्ष सबसे छोटा है और हर्ष की उम्र महज 16 साल की है। हर्ष 11वीं कक्षा में पढ़ता है और वो विज्ञान का छात्र है। हर्ष बिहार बाल भवन किलकारी का छात्र है। बिहार बाल भवन किलकारी राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। यहाँ साधन विहीन वैसे छात्र को अवसर प्रदान किया जाता है। बिहार के विकास के लिए ब्लूप्रिंट जारी करेंगे प्रशांत किशोर। इस वक्त प्रशांत किशोर बिहार के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय यात्रा पर वो समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी रणनीति पर विस्तार से बात की। प्रशांत किशोर ने बोला कि 2 अक्टूबर से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और इसके माध्यम से वो बिहार के हर गाँव हर प्रखंड तक जाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ बिहार के 10 सबसे महत्वपूर्ण विषय को गिना दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार का एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात कही। बिहार के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। छत्रपति शिवाजी महाराज 1667 को आगरा के फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए। गुरुवार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 को कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस महाजति सदन का शिलान्यास किया। बिहार के धमरा घाट में 2013 को ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 37 लोग मारे गए। भारत के क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म 1887 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंगकार और पत्रकार हरीश शंकर शर्मा का जन्म 1891 को हुआ था। निबंधार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था। पद्मभूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल रशीद खान का जन्म 1908 को हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म 1918 को हुआ था और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह का जन्म 1928 को हुआ था। 190 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से भेदा। जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में पहला वनडे मैच जीत लिया है। केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बीते दिन हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से कब्जा कर लिया है। बल्लेबाज शिखर धवन और शुभम गिल ने मैच जिताओ साझेदारी करते हुए मेजबान टीम के गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया, जहां धवन ने 77 तो वहीं शुभमन ने 82 रनों की शानदार पारी खेली। अब भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज का दूसरा वनडे मैच शनिवार 20 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा। अगर आपका फोन भी इस्तेमाल करते करते हो जाता है हिट, तो करें ये उपाय। आए दिन फोन ब्लास्ट करने की घटनाएं हमारे सामने आती है। इनमें ज्यादातर मामले फोन हिटिंग के होते हैं, इसलिए हम सभी के लिए जरूरी है कि फोन हिट होने से बचाएं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ जरूरी टिप्स, जिससे आपके फोन को हिट होने से बचाया जा सकता है। पहला, डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम रखें। अक्सर लोग अपने फोन की ब्राइटनेस काफी ज्यादा रखते हैं, ऐसे में आपका फोन ओवरहीट हो सकता है। दूसरा, अपने स्मार्टफोन को धूप के संपर्क में आने से रोकें। तीसरा, गैर जरूरी ऐप को यूज करना बंद कर दें। चौथा, कई बार फोन हिट होने के कारण स्मार्टफोन का कवर भी हिट हो जाता है, जिससे हीट वेट ब्लॉक हो जाता है, इसमें हीटिंग पैदा होती है। फिर बिगड़ी राजू श्रीवास्तव की हालत, डॉक्टर ने घोषित किया ब्रेन डेड। काफी दिनों से बीमार चल रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों के लिए बुरी खबर सामने आई है। उनकी सेहत को लेकर के डॉक्टर ने बयान दिया है और कहा कि अब हम सभी भगवान भरोसे हैं। उन्हें अब हार्ट में भी समस्या हो रही है। बता दें कि 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप सब में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख करके दिया है। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मधुलता, नुनू कुमार, कुश कुमार, मनोज कुमार, रामनवमी मांझी, प्रदीप यादव, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषि, अनवर करीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत की 10 विकेट से जीत के बाद आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम
3-0 से सीरीज को जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।